किशनपोल इलाके के ही एक दूसरे छोर पे अभी मैं पहुंचा। यहाँ पर मुझे नज़र आया कि यहाँ पीएम मोदी की के बैनर्स लगे हैं और कुछ भाजपा का जो है वो टेबल मुझे दिखा, तो सोचा कि इन लोगों से भी रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लगभग बताया जा रहा है 50 से 55% मुस्लिम इलाका है, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उनका रिएक्शन था। यहाँ एमएलए अभी तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं, अमीन कादरी जी, अमीन कादरी। तो पूरा तो लग रहा है कि अभी फिर दोबारा वही विधायक वही बनेंगे, ऐसा माहौल लग रहा है। बिल्कुल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे। तो 50% मुस्लिम वोट बताया जा रहा है, लगभग लगभग मैं देखा कि 100% वो कह रहे हैं। बताने से थोड़ी ना होता है, वो तो प्रैक्टिकल देखो ना आप, कितने वोट डल रहे हैं। कांग्रेस की टेबल देखो, बीजेपी की टेबल देखो, सुपड़ा साहब। अच्छा, ये कांग्रेस का टेबल है वो। अच्छा, यहाँ लगातार चल रहा है और इतना आनंद आ रहे हैं, ये तो त्योहार की जैसे लग रहा है। हाँ, शानदार। क्या वो लिस्ट देख लिया मैडम आपने? तो हो गया, मेरे बेटे का नहीं आया, लिस्ट देख के आए, 3 जगह जाकर के आए, कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं है, और कम से कम 1000 आदमियों के नाम नहीं है, ना तो अग्रसेन स्कूल में, और दोनों 40-50 के नाम में। इधर सबसे बड़ी नाकामी है ये, वोटर जो हिंदू वोटर थे, जो हमारे इधर के वोटर थे, बीजेपी के वोटर ने नाम ही काट दिए, मकान के मकान उड़ा दिए गए। और ज्यादातर सारे हिंदुओं के नाम काटे, मोमडंस के नाम नहीं काटे, ये भी मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादातर आपका नाम नहीं है, नहीं है। आपका फर्स्ट टाइम वोट है या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम वोट है। पिछली बार था यहाँ पे वोट आपका? सेम जगह पे, ताकि मैं जाकर आया, लेकिन वहाँ पर नहीं है नाम। और मेरे ऐसे 50 सैकड़ों वोटर है जिनके नाम उड़ा दिए, कम से कम इस एरिया में 5 से 7 हजार वोटों के नाम हटवा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अग्रसेन स्कूल में जाकर के देखा, वहाँ मारा मारी हो रही है, किसी के भी लिस्ट में नाम नहीं है, नाम ही उड़ा दिए सबके लिस्ट में, नाम ही उड़ा दिए। आपका आपका हो गया वोट? हाँ, हमारा हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन वो बार बार लिस्ट में उसमें नाम ही उड़ाए कई लोग। तो ये उत्साह, मगर विधायक तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सीट है ये, फिर तो कांग्रेस के विधायक थे, उन लोगों ने बहुत अंदर साजिश की है, उनने नाम ही उड़ा दिए सारे, हिंदू इलाकों में पर्चे ही नहीं बांटने दी। अच्छा, ये स्थिति हुई है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी हम जीत के आएंगे, हम बताएंगे उनको। बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे हम। अच्छा, ऐसा सरकार है। सरकार पूरी 101% भाजपा की बन रही है, भाजपा की बनेगी राजस्थान में, सरकार भाजपा की बनेगी। जब इतने वोट कटे हुए हैं, कैसे बनेगी सरकार? ऐसा है जी, सिर्फ हमारे इलाके में कटे, बना के दिखाएंगे। ये जयपुरी में तो है ना, बाकी और भी तो पूरे राजस्थान में वोटर है, वो तो सब समझते हैं ना, वो तो डाल रही है ना। और ये आते की तो कांग्रेस के भी डाल रहे हैं बीजेपी को वोट, वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा अच्छा, कांग्रेस के भी डाल रहे हैं, बोले कि हम तो मोदी जी को डालेंगे, हम मोदी जी के लिए। लेकिन ऐसा क्या है कि जब इतना ज्यादा केंद्र सरकार का काम हुआ, फिर भी मुस्लिम वोट जो एक एक सोप, अरे मुस्लिम मुस्लिम भाई भी हमारे को बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या बोलूं मैं। हो गया वोट आपका? वोट नहीं दिया क्यों? अभी काम ही करेंगे, वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, कहाँ, इसी इलाके में वोट है आपका? नहीं, इसी इलाके में नहीं है, इधर आगरा रोड की तरफ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वोट जरूर डालिए। आपने डाल दिया वोट? डालेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद कुरैशी। क्या है माहौल? माहौल बढ़िया है। किसका है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। ये आलम है आपका, तो कोई है ही, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो कोई साथ आया था। क्या हाल है? कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। चलिए, भाई साहब मैंने देखे है, वोट दे दिया, अच्छा माहौल चल रहा है। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? हा? क्या नाम है? हरिमोहन है मेरा नाम। हरिमोहन जी, वोट दे दिया? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, कौन सा आप कह रहे थे जी? आइए, अब तो आप दुकान आप खोले हुए हैं, आज तो चुनाव है, तो जरूरी है, काम जरूरी है, वोट वोट तो दे के आए हैं, दे दिया। हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। हाँ, पर इधर क्या है, 50% मोमडंस लोग आ गए, जिसका वोट तो उन्हीं को जाएगा, उन्हीं को जाएगा। ऐसा क्यों, जब सरकार इतना शौचालय बना रही है, उज्ज्वला योजना है, तो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, फिर भी? अरे, अनाज उन्हीं को मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर भी वोट नहीं करेंगे? हम तो देखो, हम तो शुरू से उनको देते आए, कमल का फूल माता रानी के आगे नहीं चढ़े, जब तो क्या मतलब है। नहीं, फिर भी आप यहाँ से तो विधायक तो कांग्रेस की है यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि वापस फिर कांग्रेस की आएगी। अब मुश्किल लगता है साहब, यहाँ आ जाए तो बात अलग है, वैसे मुश्किल है कांग्रेस। हाँ, मुश्किल है। अच्छा, चाय पिला रहे हैं आप? हाँ, चाय पिला रहे सर हम तो। अच्छा अच्छा, हम तो मोदी के खिलाफ है, हैं? हम तो चाय वाले की सरकार है अभी, तो बम बम है आप एकदम, तो वापस फिर से सरकार कांग्रेस की आएगी यहाँ पे? बीजेपी लाएगी सर।
बीजेपी की लाएंगे। क्यों कांग्रेस से खुशी क्यों नहीं है? खुशी है सब। कांग्रेस की सरकार क्यों बदलना चाह रहे हैं? अशोक गहलोत काम नहीं कर रहे हैं। भी अच्छा काम करा सर, तो फिर बदलना क्यों है? अब नई नई सरकार आएगी तो नए नए काम आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, आपने दे दिया वोट? मैं देऊंगा। अब दे के आऊंगा। अब दे के आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश शर्मा। अच्छा चलिए वोट जरूर दीजिए। हाँ आएगा अभी दोपहर, दोपहर बाद तक। आपने दिया वोट? सबने दे दिया। दे दिया आपने वोट? चलिए दे दिया। वोट तो दिया है। दिया है। क्या है बदलाव, क्या मूड है? बदलाव तो जाएगा जब मोदी मोदी की लड़ चल रही है ना। अभी इधर घूम जाइए। हाँ मोदी जी की लड़ चल रही है ना पूरे जयपुर शहर के अंदर। मोदी ने रोड शो किया ना, इससे प्रचंड बहुमत आएगा राजस्थान के अंदर। मतलब मोदी जी के रोड शो से प्रचंड बहुमत आएगा पहली बात तो। अच्छा अच्छा, मगर बताया तो जा रहा है कि इलाका मुस्लिम बहुल है, तो फिर वो तो मुस्लिम बहुल है क्या होगा? मोदी का जो नाम चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, तो वो नाम ही काफी है। नाम ही काफी है हमारा हमारा फायदा। मोदी जी का मुसलमान ही फायदा उठा रहे हैं। हाँ। हिंदुओं को फायदा नहीं है तो फिर भी वोट फिर भी वोट मुसलमान बीजेपी को देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। चलिए विधानसभा जो है, आपने देखा कि जो अलग अलग इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके में, ये एक दूसरा मिजाज है, दूसरा मिजाज है जी। वोट दे दिया आपने? दे दिया वोट आपने? हो गया वोट? नाम था, बहुत लोग शिकायत करें नाम ही नहीं उनका। नाम है क्या, मिजाज है? बीजेपी आएगी राजस्थान में तो राजस्थान कमल का फूल, सब कमल के फूल पे लग रहे हैं, तो बीजेपी जीतेगी। 150 वोट से ज्यादा आएंगे, 150 सीटों से ज्यादा आएगी राजस्थान। चप्पा चप्पा भाजपा। अगर यहाँ तो विधायक अभी तो कांग्रेस के हैं ना? अभी तो कांग्रेस के हैं, पर उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तुष्टिकरण और परिवार है नहीं। आज से पहले कांग्रेस के थे, आज से बीजेपी। आज से बीजेपी। कौन सा विधानसभा है ये? किशनपुर। किशनपुर मतलब, मगर ज्यादातर संख्या जो है यहाँ पे मुस्लिम वोट का है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वोटर्स सब है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई वोटर्स नहीं है। इलाके से पलायन कर चुके हैं लोग, लेकिन वोटर यहीं के रहेंगे। अच्छा पलायन, क्यों पलायन किया यहाँ से? तुष्टिकरण की नीति है कांग्रेस की। वही मैं देख रहा था, अभी एक 300 साल पुराना मंदिर है। हाँ। और वो एकदम ऐसा लग रहा है कि, मुझे पंडित जी से भी बात हुई, एकदम जर्जर स्थिति में ऐसा लग रहा है कि मंदिर भी अब उनके कब्जे में चला जाएगा। बिल्कुल, प्रशासन ने ध्यान ही नहीं किया, और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण सारी स्थितियाँ खराब हो रही है। इसलिए सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तो कमल के फूल को। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर नवीन शर्मा। ठीक है डॉक्टर। हेलो, बहुत एक बार बताओ, जिसका नाम कट गया वोट कैसे डले? हाँ, जिनके नाम काट दिए वोट कैसे डले? अभी डलवाओ आप, 20 जनों के वोट आपके पास है, कोई संपर्क अधिकारी? अच्छा अच्छा, 20 जनों के, तो आप लोग मांग कीजिए ना, ये पुलिस अधिकारी को बुलाइए, यहाँ पे बुलवाइए उनको कि क्यों नाम नहीं बुलाए। कौन है पीएलओ अधिकारी? टेलीफोन उठाता है बंद कर देता है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या इसमें एमएलए की भूमिका है क्या? अब ये एमएलए और किसकी मौका है ये तो पता नहीं। दे दिया आंटी वोट? दे दिया आपने? दे दिया। क्या है, क्या है माहौल, क्या नाम है आपका? मीना देवी। क्या है माहौल? माहौल अच्छा है, बढ़िया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है माहौल, सब आराम से दे रहे, लाइन से खड़े हैं सब जने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छा हो रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद यार, बहुत इसकी तो व्यवस्था, बैठो यार। चलिए चलिए ठीक है। ये लोगों की, ज़्यादातर लोगों की शिकायत है किशनपोल विधानसभा में कि उनके नाम नहीं है बड़े पैमाने पे। वो मैडम भी बता रही थी कि इनके बच्चों के नाम नहीं है। आपके बच्चे का नाम नहीं था ना मैम? किसी का ही नहीं है। किसी का ही नहीं है। अच्छा आपके पास भी शिकायत आई है? हाँ। ये लोग बड़े पैमाने पे शिकायत कर रहे हैं कि किशनपोल में नाम काटा गया है, और यहाँ इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि पलायन किया लोगों ने। पलायन तो किया, लेकिन यहीं से वोट गिर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं शहर से। अच्छा अच्छा, लोग पलायन कर गए लेकिन वोटिंग उनकी यही है, इसीलिए बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए हैं। अब गहलोत सरकार पर इस तरह की भी शिकायत है। नाम नहीं अंकल आपका? नहीं, 50 साल से वोट डाल रहा हूँ, 50 साल से। अब नाम नहीं, पिछली बार की पर्ची इनके पास, पिछली बार की और इस बार। अभी देखिए, ये पिछली बार की पर्ची इनकी है और इस बार इनका नाम गायब है। तो आपने ये क्षेत्र छोड़ दिया क्या, यहाँ पे है नहीं आप? हाँ, पासपोर्ट यहाँ के एड्रेस का, मेरा पासपोर्ट 2 महीने पहले पासपोर्ट बनाया मैंने, नाम ही नहीं हमारे। ये देखो इनका भी नहीं है, देखिए इनका भी नाम नहीं है, नाम ही नहीं आ रहे। और हमारे भाइयों के सामने नाम है, गिर देना उसके बाद हमारे चार नाम। मेरा पेन, मेरा आधार, मेरा पासपोर्ट, बिजली पानी बिल सब यही के। मम्मी का नाम है,
और नाम गायब है, नाम गायब। पिछली बार आप लोकसभा में दिया आपने, 50 साल से, 50 साल से लोकसभा में भी दिया था वोट 2019 में भी। पुरानी पर्ची के आधार पे भिड़ जाओ, देखे आओ पुरानी पर्ची है ना, ये निर्वाचन आयोग को ये पहचान पत्र निर्वाचन आयोग इस बार गायब कर दिया सब नाम, सारे नाम गायब हो गए, हमारे भाई साहब और सबके नाम है और हमारे नहीं है। ये आलम है कि अब विभाजन के बाद हिंदू इस अपने नाम के लिए संघर्ष कर रहे, कह रहे कि हिंदुओं के नाम काटे गए, क्योंकि ये विधानसभा खास समुदाय का बहुमत वाला है और विधायक कांग्रेस के हैं, इसीलिए इन लोगों की शिकायत इस रूप में है कि उनके नाम काट दिए गए हैं।